गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल जूली ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हो। शाम के 4 बज रहे हैं और अभी आज हमें जाना है तीज सेलिब्रेशन में, लेकिन मेरी बहन सोई हुई है तो सबसे पहले उठाते गाइज उसको और उसी के साथ करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। संजू बहन तीज में नहीं जाओगे क्या? उठ जाओ संजू बहन। प्लीज यार अंजू मेरी बहन की तो नींद लागे है। बहन तीज में जाना है, उठ जाओ उठ जाओ, तैयार होने जल्दी उठो संजू बहन। अंगड़ाइया लेती हूँ मैं जब जोर जोर से सो गाइस संजू को मैंने उठा लिया है और अब नहा धो के हम होने वाले हैं तीज के लिए रेडी। और हमारी ये और ड्रेस भी हमने निकाल लिया, ये देखिए गाइस। चलो गाइस अब मिलते हैं रेडी होके। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ पूजा में जो हमारे घर के जस्ट ऊपर हो रही है, वो भी दिखाऊंगी। गाइस मेरे पीछे है संजू, ये अभी रेडी नहीं हुई है, ये अभी प्योर नेपाली वाले लुक में है। गाइस ये है ये सारी मेरी आंटी लोग। और गाइस हम पहुँच चुके हैं पूजा वाले घर पे, यही होने वाली गाइस आज तीज की पूजा। गाइज हम पहुंच चुके हैं पूजा वाले रूम पर और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। और गाइज अब यहाँ पर सारे लोग आ चुके हैं तो पंडित जी ने भी पूजा स्टार्ट कर ली है। और गाइज पंडित जी पूजा भी बहुत ही आराम से विधिवत ढंग से कर रहे थे तो काफी टाइम लग रहा था पूजा करने में। ये जो तीज का फास्ट है ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये 3 दिन तक रहने वाला है। और गाइस 3 दिन में बस 2 टाइम ही हम खाना खा सकते हैं, मतलब आज रात को ये सब कुछ भी नहीं खाएंगे और कल दिन भर भी इनका फास्ट रहेगा, फिर जाकर कल शाम को ये कुछ खा सकते हैं। इसी तरह गाइस 3 दिन तक ये फास्ट ऐसे ही चलता रहेगा। सो गाइस पूजा के बाद मैं आ गई हूँ फिर से वापस घर और अभी संजू घर पे रेडी हो रही है तो देखते हैं गाइस संजू कितना रेडी हुई है। उसके बाद जैसे ही संजू रेडी हो जाती है फिर हम ना यहीं चौराहे पे मार्केट साइड जाएंगे, वहाँ तीज का सेलिब्रेशन हो रहा है। तो गाइस मिलते हैं आप सीधा घर में। और गाइस देखो इस बकरी ने भी आज तीज मनाई है, इस बकरी को भी अच्छे से पूजा गया है आज, लेकिन ये थोड़ा डर रही है मेरे से। हम पहुँच चुके अब घर और देखो संजू पहन रही आज साड़ी। गाइस संजू भी रेडी हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं तीज सेलिब्रेशन के लिए पास में जहाँ पर तीज सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो गाइस चलिए हमारे साथ और देखिए हमारे यहाँ का तीज सेलिब्रेशन की कैसा कैसा होता है। आप भी ना गया गाइज, यहाँ के रास्ते बहुत ही खतरनाक है और लहंगा मेरा बहुत ही हैवी होता है, हैवी लहंगा है तो थोड़ा दिक्कत हो रही चलने में काफी ज्यादा। देख तो गाइज हम चले गए हैं तीज देखने बनाने की। और गाइज मैं कैसी लग रही गाइज अब हम पहुंच चुके हैं, ये देखिए पीछे तीज सेलिब्रेशन जहाँ पर हो रहा है। ये देखिए गाइस यहाँ पर तीज सेलिब्रेशन हो रहा है और काफी सारे लोग हैं यहाँ पर भी। गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है लेकिन हम वहां जाने से पहले सबसे पहले जाएंगे बुआ जी के पास। तो गाइस ये देखो ये है मेरी प्यारी सी बुआ जी और ये उनकी बेटी फुच्ची जो बहुत प्यारे लग रहे हैं। गाइस अब हम जाएंगे सेंटर में डांस देखने के लिए, यहाँ बहुत सारे लोग डांस भी कर रहे हैं। Thank you.
गाइस ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर सारे लोग रेडी होकर सुंदर सुंदर बन के आए हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं गाइस। और सबसे अच्छी बात कि सारे मिलकर दिन भर फास्ट रखकर शाम को एक दूसरे के साथ इस फेस्टिवल को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। मुझे तो गाइस यहाँ कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गाइस अब हम जा रहे हैं डांस करने के लिए मेरे पीछे। तो गाइस यहाँ पर संजू और बुआ जी जा चुकी हैं डांस के लिए और सबसे पहले मैं इनका वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद मैं भी जाऊंगी डांस करने। और गाइस अब आ चुकी है यहाँ पर मेरी फुच्ची बहन जो बहुत ही प्यारा डांस कर रही है, देखो प्योर नेपाली डांडा। गाइस काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, अब रात भी होने वाली है लेकिन हम यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो अभी हम और ज्यादा डांस करेंगे। कति बेलासम्म नाच्दै हो हाम्रो सेड्युल अनुसार सार पनि हामीले बन्द गर्ने भनेको, तर हाम्रो दिदी बहिनीहरूको जमात बढी भएकोले हामीले एक घन्टा बनाएर 8 बजीसम्म हामीले नाच्दै हो गाउने हो कमाउने हो रमा। और गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये स्पेशल चाइल्ड है और ये भी बहुत इंजॉय कर रहा था और इसको देख के सच में बहुत खुशी हो रही थी। गाइस शाम के 8 बज चुके हैं और अभी आ चुके हैं हमारे भाई लोग हमें बुलाने के लिए, क्योंकि बेचारों को बहुत ज्यादा भूख लग रही है बट हमारा मन बिल्कुल भी घर जाने का नहीं कर रहा है। और गाइस ये देखो आप इस बेचारे को कितनी ज्यादा भूख लग रही है, तो मैंने कहा यार एक काम कर तू सबसे पहले संजू के पास जा और उसे बुला के लेके आ। संजू को अभी और ज्यादा डांस करना था तो वो आने के लिए तैयार ही नहीं थी, तो फिर फाइनली मुझे जाना पड़ा उसे लेने के लिए। काफी टाइम हो चुका है तो अब हम जा रहे हैं। तो गाइस अब अंधेरा काफी ज्यादा हो चुका है, मैं ऐसी लग रही हूँ, तुम ऐसी ही लग रही हो बहन। और अब हम जा रहे हैं घर, चारों तरफ अंधेरा हो चुका है और मेरी बहन आइसक्रीम खाते खाते जा रही है। और गाइस ये जो संजू है इसका अभी भी मन नहीं भरा है, इसका अभी भी डांस करने का मन कर रहा है और ना बीच बीच में चलते चलते ये डांस भी कर रही है, तो मुझे तो बहुत हंसी आ रही है गाइस, मन कर रहा है इसे अभी वहीं ही छोड़ के आ जाऊं। और गाइस चलते चलते हम अब पहुंच गए हैं घर। सो गाइस ये था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग, आई होप आपको आज का मेरा ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।